दोगले हिंदुओं बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने सिर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और राम मंदिर की जगह मस्जिद बनवाने का दावा। इस शख्स के हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, हैरान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से समर्थक हैरान परेशान है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक मुस्लिम दिखने वाला शख्स हिंदुओं को कोस रहा है, इसके साथ ही अयोध्या में हुई हार को लेकर भड़काऊ बातें कर रहा है। इसके बाद लोगों के शिकायत पर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच में पता चला कि ये शख्स मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है और पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन है। थाना न्यू आगरा मऊ रोड खंडारी का रहने वाला धीरेन्द्र सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। 4 जून को सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो मुस्लिम वेशभूषा में टोपी पहनकर भड़काऊ बातें कर रहा था। वो मोदी को कम वोट देने वाले हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहा था। लगभग 1 मिनट के वीडियो में उसने मंदिर मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की। इस वीडियो को वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को टैग करते हुए कई लोगों ने कार्रवाई की मांग उठाई। मामला जब डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने आरोपी